दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INDIE हिंदी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मास्टर कार्ड के बारे में, जो कि नया अपडेट मास्टर कार्ड की तरफ से दिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में भी बात करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को पता होगा कि मास्टर कार्ड पर RBI ने रोक लगाया है, जो कि रोक प्रभावी होगा 22 जुलाई 2021 से। यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, RBI की तरफ से 14 जुलाई 2021 को प्रेस रिलीज जारी किया गया और यहां पर RBI ने बताया है कि कुछ डेटा वगैरह को लेकर आई गड़बड़ियों के वजह से मास्टर कार्ड पर नया क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक लगाया गया, जो कि 22 जुलाई 2021 से लागू होंगे। मास्टर कार्ड जो है नया डोमेस्टिक कस्टमर यानी इंडियन कस्टमर को नहीं जोड़ सकते हैं, नया कस्टमर को अपना कार्ड नहीं दे सकते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर डेबिट कार्ड हो गया या फिर प्रीपेड कार्ड हो गया। यह लागू हो जाएगा 22 जुलाई 2021 से। 22 जुलाई से पहले मास्टर कार्ड नया क्रेडिट कार्ड जारी कर पाएंगे, नया डेबिट कार्ड जारी कर पाएंगे, नया प्रीपेड कार्ड जारी कर पाएंगे नया कस्टमर के लिए, लेकिन 22 जुलाई से नया कस्टमर को वो नहीं दे पाएंगे। अब ये रोक कब तक रहता है, इसका कोई भी अभी सूचना निकलकर सामने नहीं आई है। और इसी बीच यहां पर क्या है कि मास्टर कार्ड की तरफ से एक नया अपडेट आ चुका है। मास्टर कार्ड ने इसके बारे में एक जानकारी दिया है ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके। यहां पर पहले ही RBI ने लिख रखा है कि जो पहले से कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर है मास्टर कार्ड का, उन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, उन पर इस प्रकार के नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद लोगों को यहां पर संदेह हो रहा था कि यहां पर तो क्लियर नहीं लिखा गया है कि कहां कहां पर ट्रांजैक्शंस सब कर सकते हैं, कहां कहां पर ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मास्टर कार्ड ने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके ये जानकारी दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। मास्टर कार्ड इंडिया ट्विटर हैंडल है, MSS टू ऑल मास्टर कार्ड होल्डर्स इन इंडिया, यानी मास्टर कार्ड के कार्ड होल्डर्स जितने हैं उनके लिए यहां पर एक मैसेज इनके तरफ से छोड़ा गया है ट्विटर हैंडल पर, जो कि आप भी यहां पर रीड कर सकते हैं। इन्होंने बताया है कि हम समझ सकते हैं रिसेंट में जो भी यहां पर न्यूज रिपोर्ट आई है उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे होंगे, तो यहां पर इन्होंने सारे सवाल का जवाब दिया है जो इनको लगा कि यहां पर ये क्वेश्चंस लोगों के मन में उठ रहा होगा। तो इन्होंने बताया है कि पहले से जो ग्राहक है, एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है मास्टर कार्ड के, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर प्रीपेड कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, ये बातें यहां पर बताई गई है। उसके बाद यहां पर यह बताया गया है कि आप पहले की तरह ही जहां पर ट्रांजैक्शंस कर पाते थे वहां पर आप ट्रांजैक्शंस कर, जहां पर बताया गया है कि आप अपने कार्ड से ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, इन स्टोर पर भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, इन ऐप पर भी आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, सारे जगह आपको अनुमति मिलती है। और इसके साथ ही बताया गया है कि आप जो है इंडिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटरनेशनली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों के मन में भी उठ रहा होगा कि पुराना ग्राहक है, ठीक है हमारा मास्टर कार्ड बंद नहीं होगा, लेकिन उसको हम कहां कहां पर अब इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां कहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो मास्टर कार्ड जो है इंटरनेशनल कार्ड होते हैं, आप लोगों को पता होगा, तो इसे आप इंटरनेशनली भी यूज कर सकते हैं और इंडिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन या फिर स्टोर या फिर एप्लीकेशन में भी आप इस्तेमाल काफी आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहां पर यह चीज बताई गई है कि पहले से जो ग्राहक है वो कंटिन्यू रहेंगे, जो आपको ऑफर मिल रहा है वो आपको ऑफर मिलता रहेगा, मास्टर कार्ड के तरफ से जो भी ऑफर आप लोगों को मिल रहा होगा वो आपको आगे भी ऑफर मिलता रहेगा, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेम सेफ्टी सेम सिक्योरिटी के साथ आपको यहां पर जो है कंटिन्यू रखा जाएगा, मतलब आपको चीजें वही मिलेंगे, सेम सेफ्टी मिलेंगे, उसके बाद सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाएगा और आप जो है इनसे बातचीत हमेशा कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। जो पहले से ग्राहक होंगे उनको ये सर्विस देंगे और जो नया कस्टमर है उनको फिलहाल ये सर्विस नहीं दे पाएंगे 22 जुलाई 2021 से। और उसके बाद अगर ये सर्विस देना चाहे तो जब तक यहां पर RBI की तरफ से इनको इजाजत नहीं मिल जाती है तब तक वो सर्विस नहीं दे पाएंगे, नया कार्ड इशू नहीं कर पाएंगे नया ग्राहक को। तो यहां पर मास्टर कार्ड ने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके सारा सवाल का जवाब दे दिया है जो लोगों के मन में उठ रहा होगा। तो आप मास्टर कार्ड का यूजर पहले से है, एग्जिस्टिंग कार्ड आपके पास मास्टर कार्ड का है, तो उसका इस्तेमाल आप पहले की तरह ही कर सकते हैं, इसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर अब बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक की तरफ से भी एक अपडेट आ चुकी है, जो कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अभी आप अप्लाई करने जाओगे तो अभी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्सिस बैंक की तरफ से रोक लगाया गया और ये रोक कब तक प्रभावी होगा वो भी बता देते हैं। यहां पर क्रेडिट कार्ड के ऊपर हम क्लिक करते हैं।
क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कई सारे क्रेडिट कार्ड बताए गए हैं जहाँ पर अप्लाई करने के भी ऑप्शंस आ चुके हैं। तो कोई एक क्रेडिट कार्ड को हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करके दिखा देते हैं। तो एक क्रेडिट कार्ड को हमने सेलेक्ट किया, अप्लाई नाउ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने लिख रखा है क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला में, जो कि वी विल बी बैक सून, यानी कि हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। और इन्होंने लिख रखा है कि 22/7/2021 को ये वापस आएंगे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो मास्टर कार्ड बंद किए गए हैं, मतलब मास्टर कार्ड नया कार्ड जारी नहीं कर सकता है, इस चीज को लेकर शायद इनके तरफ से एप्लीकेशन रोका गया है, नया एप्लीकेशन ये नहीं ले रहे हैं, या फिर इनके तरफ से कुछ अपग्रेड चल रहा होगा जिसके वजह से ये जो है एप्लीकेशन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में अपग्रेड हुआ था, सिस्टम अंडर गोइंग मेंटेनेंस, यानी सिस्टम जो है क्रेडिट कार्ड के सिस्टम मेंटेनेंस में है, जिसकी वजह से ये नया एप्लीकेशन नहीं ले पाएंगे। अभी फिलहाल 22/7/2021 से आप जो है नया आवेदन दे सकोगे इसको। और मुझे लगता है कि ये जो है एक नया पार्टनरशिप करेंगे जो कि वीजा कार्ड या फिर रुपए कार्ड के साथ करेंगे, लेकिन मुझे जहां तक के लगता है ये वीजा कार्ड के साथ ही पार्टनरशिप करेंगे क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के लिए, क्योंकि मास्टर कार्ड 22/7/2021 के बाद तो नया कार्ड जारी करेगा नहीं, तो ये जो है वीजा कार्ड से ही दोस्ती करेंगे। हालांकि पहले से भी बैंकों का दोस्ती जो है वीजा कार्ड से होता है। अगर RBL बैंक के बारे में बात करें तो उनको थोड़ा सा दिक्कतें होंगे, क्योंकि वो जो है मास्टर कार्ड से दोस्ती कर रखे थे। तो जिनको जिनको मास्टर कार्ड से दोस्ती था, पार्टनरशिप था, जो भी यहां पर था, वो यहां पर फिलहाल के लिए रुकेगा, क्योंकि वो जो है पार्टनरशिप करके वीजा के साथ ही कार्ड निकालेंगे। तो यहां पर डिटेल में हमने समझा कर बता दिया है। उम्मीद करेंगे आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी प्रकार के छोटे बड़े अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।